अनिल यादव जी, चर्चा क्यों नहीं हो रही है? अगर आपको लग रहा है कि चर्चा 176 पे शुरू करते हैं, देश के सामने आंकड़े तो आए क्या? सुप्रीम कोर्ट को ही आगे आना होगा, बताना होगा कि वहां कितनी एफआईआर हुई है, वहां कानून व्यवस्था आया नहीं है। देखिए, अभी मैं शिवम जी को सुन रहा था और इन्होंने कहा कि घटनाएं बड़ी दुखद हैं, लेकिन कार्रवाई करने को ये लोग तैयार नहीं हैं, जवाबदेही के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं। और रवि भाई, जब हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, मणिपुर पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कहा जाता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है मणिपुर की घटना पर। चलिए, सत्ता के लिए विपक्ष राजनीति कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, मुझे बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को तो कोई सरकार नहीं बनानी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मणिपुर में कानून व्यवस्था ध्वस्त है पूरी तरीके से, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं बचा है वहां पर, और पुलिस को टार्डी एंड टू लेथार्जिक बताया है। टार्डी एंड टू लेथार्जिक, यानी कि पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है वहां पर। हमने देखा भी कि उन जानवरों को और उन दंगाइयों को कैसे पुलिस के सामने, खुद पुलिस ने उन महिलाओं को सुपुर्द किया, उन लोगों को। आपने ये भी सुना होगा कि हजारों की तादाद में हथियार पुलिस ने प्रोवाइड कराए वहां पर। और अभी ये कह रहे हैं कि भाई, गृह मंत्री जी से आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? और आपका भी यही सवाल था कि चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, गृह मंत्री जी जब ये घटनाएं घट रही थी तब वहां पर मौजूद थे और सर्वदलीय बैठकें कर रहे थे, लेकिन उनकी उनकी जानकारी में ये घटनाएं आई तक नहीं। इसका मतलब ये है कि गृह मंत्री ऑलरेडी इस मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। जब गृह मंत्री फेल हो गए तो जनता किससे जवाब चाहेगी? विपक्ष किससे जवाब चाहेगा? प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री जी ऐसा क्या कर रहे हैं कि इतने गंभीर मुद्दे पर संसद में आकर बोलने को तैयार नहीं है? एक दिन 36 सेकंड के लिए बोले, उस दिन भी राजनीति कर गए, उस दिन भी और प्रदेशों की घटनाएं गिनवाने लगे, वो भी संसद में नहीं बोले, संसद के बाहर बोले। जनता के पैसे से जो संसद चलती है वो इसलिए जिससे कि सरकार को जवाब देना पड़े और विपक्ष सवाल पूछे, इसीलिए लोकतंत्र बनाया गया है। विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना। अब चर्चा आ जाती है, ये कह रहे थे कि नहीं, हम तैयार हैं। आप तैयार हैं 176 पे चर्चा कराने के लिए? मैं आपको बता दूं, 176 रूल के अंतर्गत सिर्फ 2.5 घंटे की चर्चा होती है, जिसमें 1.5 घंटा तो आप ले जाएंगे, आधा घंटा बचेगा। आप चाहते हैं कि मणिपुर जैसे गंभीर विषय पर सिर्फ आधे घंटे में सारी पार्टियां 5-5 मिनट बात कह के, हम भाषण देना नहीं चाहते उस पर, 5 मिनट में भाषण नहीं देना है, हम डिस्कशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप 267 पर कराइए सारे जितने मुद्दे देश में चल रहे हैं। मैं समझता हूं मणिपुर से ज्यादा गंभीर कोई मुद्दा नहीं है, उन मुद्दों को हटाकर 267 पर पूरा दिन डिबेट होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को आके बताना चाहिए। जो प्रधानमंत्री यूएस के सेनेट में बोल सकते हैं, आप जिद पे अड़े हुए कि 267 पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये सब जानते हैं कि अब अविश्वास प्रस्ताव आप लोगों ने पेश कर दिया है, तो इस पे चर्चा तो होगी और चर्चा होगी, दिन भर चर्चा होगी इस मुद्दे पर। अब ये तो तय हो गया है, अब तो ये तय हो गया है, तो क्यों ना दूसरे मुद्दों पे भी चर्चा हो जाए? देश में और भी ऐसी नीतियां हैं जिसको लेकर इन सब पे चीजों पे चर्चा होनी है, तो आप सिर्फ हंगामा करेंगे, आप सिर्फ हंगामा करेंगे। ये जब बीजेपी विपक्ष में होगी वो हंगामा करेंगे, कांग्रेस जब विपक्ष में होगी हंगामा करेंगे, और देश का करोड़ों रुपया बर्बाद। मैं जवाब देता हूं। देखिए, यदि यदि माता बहनों के लिए आवाज उठाना, यदि उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना हंगामा है, तो हाँ हम हंगामा करेंगे, ऐसे ही हंगामा करेंगे। जब जब देश की जनता पर विपत्ति आएगी, विपक्ष, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन इसी तरह से हंगामा करेगा, अगर आप इसे हंगामा करना कहते हैं। लेकिन समाधान हमारी तो संवाद से निकलता है। सुन लीजिए रवि जी, सुन लीजिए रवि जी, सुन लीजिए, तो सिर्फ खबर बन सकती है, सुर्खियां आ सकती हैं। रवि जी सुन लीजिए, यदि आप हमारी मांग को हंगामा करेंगे, अगर आप हमारी मांगों को, क्या हम क्या विपक्ष गलत मांग कर रहा है? प्रधानमंत्री जी ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं? पिछले दिनों की आप उनकी दिनचर्या देखिए, कभी वो राजस्थान चले जाते हैं, कभी छत्तीसगढ़ चले जाते हैं, कभी पुणे चले जाते हैं, कल पुणे में थे, अभी कुछ दिन पहले सांसदों के साथ बैठक कर रहे थे। जब सारे राजनीतिक काम प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, तो संसद में देश को की जनता को जवाब देने के लिए क्यों नहीं आ सकते हैं? हमारा सिर्फ इतना सा सवाल है और इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रवीण कुमार आम आदमी पार्टी की तरफ से बने, लेकिन उससे पहले प्रभाकर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? रवि, मुझे एक बात जोड़नी थी कि ये चर्चा क्यों जरूरी है। मुझे लगता है उस पर चर्चा कम हुई है, इसलिए हम उसको रेखांकित करना चाहते हैं कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो याचिकाकर्ता के वकील कोलिन गोंजालिस ने एक बात कही थी कि अभी भी राज्य में, मणिपुर में 118 अनक्लेम्ड डेड बॉडीज हैं, उनका रखरखाव, उनके लिए क्या व्यवस्था हो रही है। जब कोर्ट ने पूछा, तो सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार के तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने एक ऐसी बात कही जिस पर चर्चा होनी चाहिए, कि उन्होंने ये कहा कि जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज पड़ी हैं वहां पर, उसमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं,
बाहर से आने का मतलब आप समझ रहे होंगे, बाहर से आए हैं मतलब घुसपैठिए हैं, मतलब राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए आए हैं, राज्य की स्थिति को अनस्टेबल करने आए हैं। और अगर ये सच है तो ये कितनी गंभीर बात है, केंद्र सरकार के लिए कितनी गंभीर बात है, गृह मंत्रालय के लिए कितनी गंभीर बात है। तो ये केवल मणिपुर का मसला नहीं रह जाता, तो मुझे लगता है कि इसलिए इस पर भी बात होनी चाहिए और संसद में बात होनी चाहिए, गृह मंत्री को इस पर बयान देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे बाहर से कोई घुसपैठिया आकर के और किसी राज्य में शांति व्यवस्था बिगाड़ सकता है। क्योंकि जब सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि जो लोग मारे गए उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल है, तो बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन वो जवाब तब मिलेंगे जब इन मुद्दों पर सरकार को इन्फॉर्मेशन दे, विपक्ष एक सार्थक चर्चा करे। रुक